सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है मंडे मॉर्निंग और कल से व्लॉग स्टार्ट किया था संडे वाला, तो संडे के भी थोड़े से फुटेज मैं रख दूँगी इस व्लॉग में। और आज है मंडे मॉर्निंग नहीं, अभी लाइक दोपहर हो रहा है और हम लोग तीनों अभी जाने को निकले हैं हमारे हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पे वीके एनआरएल हॉस्पिटल है, मतलब विवेकानंद केंद्र एनआरएल हॉस्पिटल, जिसको जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और विवेकानंद केंद्र ट्रस्ट इसको चलाता है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अभी मौसम चेंज हो रहा है और इनको मैंने स्विमिंग में भी लगाया है, तो इनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है, इन दोनों की ही सर्दी खांसी सीजनल जो होता है। फिर भी घर में मेडिसिन जितने भी थे सारे एक्सपायर्ड हो चुके हैं, पैरासिटामोल हो कुछ भी हो, तो अगर बुखार आता है तो चाहिए होते हैं ना मेडिसिन। तो सोचा कि एक बार पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट भी कर लूँगी इनका और मेडिसिन भी मैं लेके आऊँगी, तो इसलिए हम लोग अभी जाने को निकले हैं। फाइल वगैरह सब कुछ मैंने देख के रखा है। और बाकी कुछ बोलना चाहते हैं? सो फाइल वगैरह सब कुछ मैंने देख के रखा है। अभी मैं जाऊंगी हॉस्पिटल और आप सबको भी मैं लेके चलूंगी। हालांकि अंदर से वहां पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बाहर से आप लोग को दिखा दूंगी कि हम लोग का हॉस्पिटल कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं ना, वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान, मतलब वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगा आपको मैं बताती जाऊँगी। तो ये फुटेज संडे का है, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो मैं फुटेज तो मैं ले जा रही थी, लेकिन एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि 3-4 दिन का फुटेज एक साथ मिला के एक व्लॉग में बना दूँगी। तो ये संडे का फुटेज है और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ, और ये जो डस्टिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये माइक्रोफाइबर का एक ग्लव है, और ये मेरे पास था पड़ा हुआ लेकिन कभी मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने कभी ऑर्डर किया था, लेकिन अभी इसको जब से यूज़ करने लगी हो तो मुझे अभी डस्टिंग करने में कोई परेशानी नहीं होती है। मतलब छोटे छोटे जगहों में भी ये घुस के बहुत अच्छी डस्टिंग करता है। और मैं ये बोल रही थी कि मैंने फुटेज सारे तो जमा करके रखे थे, कैमरा में ही थे, मैं उनको डेस्कटॉप में भी नहीं ट्रांसफ़र कर पाई थी, और जब मैंने सोचा कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम है, अभी मैं एडिटिंग करूँगी, तो मेरा डेस्कटॉप ख़राब हो गया है फाइनली। और मतलब फाइनली नहीं, मैं चाह तो नहीं रही थी कि डेस्कटॉप ख़राब हो, और मैंने खुद ट्राई भी किया, मैंने रैम वगैरह उसको फिर से उसके स्लॉट में डाल के उसको टाइट किया, लेकिन फिर भी मेरा डेस्कटॉप जो है वो ऑन नहीं हो रहा था। तो ये जो वीडियो है इसको मैं मोबाइल पे ही एडिट कर रही हूँ, हालांकि मोबाइल पे मैं व्लॉग्स मेरे एडिट नहीं करती हूँ, एडिटिंग मैं डेस्कटॉप में ही करती हूँ, मोबाइल में कभी कभी रील्स वगैरह ये सभी एडिट करती हूँ, तो मोबाइल में इतने बड़े बड़े वीडियोज़ मुझे एडिट करने का आदत नहीं है इस बार। लेकिन मेरे व्लॉग्स भी बहुत दिनों से जा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि मोबाइल में ही कर देती हूँ, और थैंकफुली वो मेरे कैमरा में सारे फुटेज थे, तो मैंने थ्रू मेरा लैपटॉप वहाँ से मैंने अपने मोबाइल पे ट्रांसफ़र किया है, और ये वाला व्लॉग मैं इसी तरह से ही एडिट कर रही हूँ। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा। तो मैं बोल रही थी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो ये हम लोग का वीके एनआरएल हॉस्पिटल है, ये टाउनशिप के अंदर ही है, और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इस हॉस्पिटल में हम लोग को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं। हालांकि अंदर से तो मैं शूट कुछ नहीं कर पाई थी, और इसके बाद जो आपको फुटेज देखेंगे वो उसके नेक्स्ट डे का होगा, जहाँ पर हम लोग 5 बजे उठ गए थे और मॉर्निंग वॉक में निकल गए थे, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी घर पर ही थी, वो सो रही थी। तो मैंने सारे फुटेज यहाँ पे रख दिए हैं, और साथ ही साथ वॉइस ओवर में आप ये देखिए, मॉर्निंग का आप आनंद लीजिए, मॉर्निंग में हम लोग का टाउनशिप बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। किसी किसी फुटेज में मैंने थोड़ा साउंड भी रखा है ताकि आपको थोड़े से उस साउंड इफ़ेक्ट भी मिल जाए कि सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, बर्ड्स का चिरपिंग वगैरह ये सब। और दूसरी बात कि मैं वॉइस ओवर में आप लोग को बताती भी रहूँगी, और ये व्लॉग एंटायरली हिंदी में है, यहाँ पे एसएमएस का प्रयोग मैंने नहीं किया है, हालांकि मैं कभी कभी अपने व्लॉग्स एसएमएस हिंदी दोनों में ही बना देती हूँ, और कभी कभी ओनली एसएमएस होता है। तो मैं बोल रही थी कि हमारा जो यहाँ पर हॉस्पिटल है, ये इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी हमको मिलते हैं। तो इस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं, जैसे मेडिसिन के हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, ये सारे परमानेंट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, एनेस्थीजिया है, तो और एक हमारे जो सर्जन है वो है, वो सारे परमानेंट है, और फिर विजिटिंग डॉक्टर्स भी होते हैं यहाँ पे, जैसे स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, डेंटिस्ट हो गया, तो ये सारे विज़िट करते हैं। और उसके बाद कुछ नॉर्मल जनरल डॉक्टर्स भी हैं जिनको छोटी मोटी बीमारी के लिए हम लोग दिखा सकते हैं,
और दूसरा कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी अवेलेबल है और बाकी लेबोरेटरी जो भी टेस्ट होता है वो सब अवेलेबल है, एक्सेप्ट सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब यहाँ पे नहीं होता, ये सब हमको बाहर जाके करना पड़ता है। पर नॉर्मल ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। और फार्मेसी भी यहाँ पे दो फार्मेसी है तो वहाँ से भी हमको मेडिसिन मिल जाते हैं। और बाकी छोटा मोटा जो भी बीमारी है हम यहीं पे दिखाते हैं। और मेनली गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ पे दो गायनेकोलॉजिस्ट है और दो पीडियाट्रिशियन है, तो यहाँ पे मोस्टली यंग कपल्स होते हैं तो उनको डिलीवरी वगैरह में प्रेगनेंसी जो भी है, जैसे मेरी दो बेटियाँ यहीं पे डिलीवर हुई थी, तो उन सब के लिए हमको बाहर नहीं जाना पड़ता है। और इमरजेंसी जो कुछ भी मिलता है यहाँ पे, फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ हमको अच्छा ही फैसिलिटी मिल जाता है। और एक छोटा सा आईसीयू भी है लेकिन उसमें बहुत सारे पेशेंट तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो आपको नॉर्मल जो एकदम प्राइमरी जो फैसिलिटी होता है ना वो यहाँ पे मिल जाता है। और हॉस्पिटल बहुत ही साफ़ है, वेल मेंटेन्ड है और डॉक्टर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। और चूँकि हम लोग बहुत दिनों से रह रहे तो हमारे साथ इन सबका रेपो अच्छा ही है। और बाकी दूसरे यहाँ पे सिर्फ एनआरएल के पेशेंट ही नहीं होते हैं, बाहर यहाँ आसपास में जितने भी गांव वगैरह के पेशेंट होते हैं वो लोग भी यहाँ आते हैं। और इट्स अ काइंड ऑफ सोशल सर्विस, क्योंकि उन लोगों को बहुत कम रेट में यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। और ऐसा कोई डिफ्रेंसीशन भी नहीं होता कि एनआरएल के लोगों को अच्छा मिलेगा और उन लोगों को ख़राब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो डॉक्टर्स नर्सेस वगैरह है दे आर ड्यूटी बाउंड, बहुत अच्छे हैं वो लोग, सर्विस बाउंड है और बहुत हर किसी को, हर पेशेंट को अच्छे से ही सर्विस देते हैं। और मेरा तो आज तक जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ही रहा है। और थैंकफुली मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे डिलीवर हुई है, हेल्दी हुई है, और तब से अब तक पीडियाट्रिशियन वगैरह मैं यहीं पे दिखाती हूँ। और हम लोग का भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यहीं पे दिखाते हैं। और ये वीडियो भी यहाँ पे मैं अभी एंड करूँगी, हम लोग का मॉर्निंग वॉक भी ख़त्म हो गया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइज़।